हेलो दोस्तों, हमारे चैनल स्वागत है। आज एक जगह से और यानी हमारे पुराने ही साइट पे इलेक्ट्रिक वर्क यानी स्लैब पे पाइपिंग डालना था, तो हमने सामान लेने के लिए निकल दिए हैं और सामान भी ले लिए हैं। आप देख सकते हैं ये फैन बॉक्स और कैंसिल लाइट बॉक्स है और 25 पाइप और बैंड है दोस्तों और डीप लाइट जंक्शन है दोस्तों। तो इतना सामान लेके हम साइट पर निकल पड़े हैं, जो कि ये हमारा साइड है दोस्तों, जो कि ये 4th फ्लोर का जो कि आज स्लैब पड़ने वाला है। तो हम सामान लेके आ गए हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं 6 पाइप पहले का ही बचा था और ये एस्ट्रॉल का हमने 25 पाइप लिया है दोस्तों, और इसके साथ में सामान भी लिया है दोस्तों। जैसा कि मैं आपको दिखाएं, ये डीप लाइट बॉक्स है जो कि बहुत लोग इसको जैक्सन लाइट बॉक्स भी बोलते हैं, और आप देख सकते हैं दोस्तों एकदम वाइट कलर में है। और इधर आपको जैसा कि दिखाया, ये हमने बैंड भी लिया था, बैंड का जो पन्नी था वो फट गया है दोस्तों। आप देख सकते हैं ये पूरा एरिया है जो कि इसी का पाइप है, तो ये डक एरिया छूटा है इतना। और इधर पे जो है जाली लगेगी जो कि रूम का टेम्परेचर बाहर निकालने के लिए दोस्तों ये जरूरी होता है, जो कि दोस्तों ऑक्सीजन ऑक्सीजन निकलने के लिए जरूरी रहता है दोस्तों, जो कि रूम का टेम्परेचर रहेगा वो निकल जाएगा। और दोस्तों अब हम जो है मेजरमेंट करना स्टार्ट कर दिए हैं दोस्तों, जो कि फैन बॉक्स हम मेजरमेंट में ही रखेंगे नाप के आगे पीछे ना दोस्तों। और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने कुछ मेजरमेंट कर लिया है, और दोस्तों नक्शा यही है इसका जो डिज़ाइन है रूम का, तो कुछ इसी टाइप से होंगे दोस्तों, क्योंकि नीचे अभी दीवार नहीं जुटा है इसलिए ऐसे वर्क करना थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है दोस्तों। फिर भी हम अच्छे से मेजरमेंट करके इसको रख लेंगे। और आप देख सकते हैं दोस्तों जो कि इसमें 2 बेडरूम हैं और एक हॉल और किचन बाथरूम है दोस्तों, ये देख सकते हैं। तो दोस्तों हमने आगे का कर लिया है काम, इधर का हमारा आधा फाइनल हो चुका है दोस्तों। बाहर का बर्जा और एक बेडरूम दोस्तों, और हमने वैन ड्रॉप भी करना स्टार्ट कर दिया है दोस्तों। लगभग इधर का हमारा आधा से ज़्यादा कंप्लीट हो चुका है दोस्तों, क्योंकि हम आपको पार्ट वाइज दिखा रहे हैं, एक साथ दिखाते तो वीडियो लंबा हो जाता। और यहाँ तक हमारा दोस्तों लगभग कंप्लीट हो चुका है, आप देख सकते हैं अच्छी तरह से, ज़्यादा नहीं थोड़ा बहुत और बाकी है दोस्तों। इधर एरिया का भी बाकी है और इधर बैंड ड्रॉप भी अभी करना है दोस्तों, और इधर भी एक कभी लाइट लगाना है। और दोस्तों आप देख सकते हैं ये, अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले दोस्तों। और दोस्तों ये हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है, ये आप देख सकते हैं पूरा फाइनली कंप्लीट हो चुका है दोस्तों, और मशीन भी आ चुका है, क्योंकि दोस्तों आज ही के डेट में ये ढलाने वाला था और आज ही के डेट में डाले हैं दोस्तों। लगभग ये डालने में टोटल दोस्तों 4-5 घंटे गए हैं, 5 घंटे के आसपास दोस्तों। तो आप देख सकते हैं ये पूरा कंप्लीट हो चुका है, अभी थोड़ी देर में इसका ढलाई होना स्टार्ट हो जाएगा, अभी मशीन का सेटअप हो रहा है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं मेन सर्किट हमने यहाँ से निकाला हुआ है, जो कि यहीं से पूरा इस बिल्डिंग का आया हुआ है, नीचे से ऊपर तक यहीं से हमने लिया है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, तो ये पूरा यहाँ से कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। और एक बात दोस्तों आपको बताते हैं हम, आप देख सकते हैं पाइप हमने यहाँ भी खड़ा किया है, तो इस पाइप दोस्तों हमने सोलर पैनल के लिए ही नीचे से डाल के ऊपर तक लाए हैं, क्योंकि ऊपर सोलर पैनल लगाना रहेगा तो उसका वायर यहीं से नीचे हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा ये पूरा इलेक्ट्रिक वर्क आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और इस टाइप के दोस्तों काफ़ी वीडियो पड़े हैं हमारे चैनल पर। और ये देख सकते हैं कुछ लाइट बॉक्स हमारे जो हैं वो ढक चुके हैं, क्योंकि इसके ऊपर अब पलाई रखा हुआ है। ये जो गाड़ी के दबावत ना इनको इनको झाड़ दे बाएं।